वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेल, सबसे पहले मैं नीरज की टीम से जाऊंगा। मुझे लगता है इंडियन ऑयल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। चार हफ्ते से गिरावट देख रहे हैं और गिरावट भी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम कम हुआ है। 120-115 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, कल का मूव एनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है इंडियन ऑयल में एक आपको मिल सकता है। 130 का एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 120 का, तो ध्यान देना चाहिए नीरज की टीम से इंडियन ऑयल पर। आशीष की टीम से ध्यान है मुझे सीमेंस पर। उसका रीजन ये है कि स्ट्रक्चरली एक साइडवेज जोन है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, लेकिन लोअर लेवल्स पे 2100-2200 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एक सेफ्टी मार्जिन यहां पर हाई है। 2200 का एक स्टॉप लगाकर चले, वहां पर सपोर्ट है और पॉसिबल है कि आते दिन में 2400 देखेंगे, 2400। तो आशीष की टीम से सीमेंस पर मेरा ध्यान है। ओके, आशीष की टीम में से सिमेंस, और इसमें कोई दरा नहीं है कि अगर आप कल के हाथ से कुछ छोड़ दें तो सिमेंस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इस स्पेस में सिमेंस, एबीबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी स्ट्रेंथ के आके आपको कमिंस और एलएनटी काफ़ी वीक भी लगेंगे। अच्छा, हम इन पूरी बातचीत के दौर में अगर आप देखें एक चीज़ बात करना भूल गए और वो है SBI नंबर्स हैं। फ्राइडे फैक्टर 200 पॉइंट का गैप अप, 16,000 की ट्रेजेक्ट्री, और अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बात करनी हो तो क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक स्टॉक 200 के कल नीचे क्लोज हुआ था, आज एक पुलबैक है, आज रिजल्ट्स भी हैं। अमित जी, लास्ट टाइम जब ये वॉर जोन में 7 मार्च को 200 के नीचे आया था तो उसका लेवल था 426। अभी 200 ऊपर फ्लोट कर रहा है, कोई ऐसी स्ट्राइक ड्यूरिंग द डे जिस पर नजर रखनी चाहिए? एक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर अगर अच्छा नतीजा रहा तो कौन से स्ट्राइक पे काम करना चाहिए आज? 480 स्लाइटली आउट ऑफ मनी, जहां पे आपका 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। डेफिनेटली सुरेंद्र जी, कल हमने देखा कि ये 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर गया था, तो आज का मूव इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक अगर हम ओपनिंग सेशन में देखते हैं पहले आधे पौने घंटे, अगर 470 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली 480 की स्ट्राइक की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। 480 की स्ट्राइक वीरेन जी लगभग ट्रेड कर रही है 7 रुपए पे, तो उस समय तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा अगर ये 470 के ऊपर ट्रैवल करता है। तो 480 की स्ट्राइक की तरफ हमें देखना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ लगभग 18 रुपीज, और उस समय मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 9-10 रुपीज का, डिपेंडिंग अपॉन क्या उस समय इसका प्राइस रहता है स्ट्राइक का। ठीक है, SBI के नंबर्स, टेक महिंद्रा के नंबर्स, इन सब का इंतजार रहेगा। और टेक महिंद्रा, SBI का एक और निफ्टी के, तो आज 3 नंबर्स दरअसल आने हैं, टेक महिंद्रा, SBI और ये आयशर मोटर्स, 3 नंबर्स और 7 वायदा बाजार के। लेकिन एक काम करता हूँ, क्विकली टॉप कॉल से रैप अप कर देता हूँ।